आज भले ही दुनिया भर में ईमेल्स, मोबाइल फोन्स और सोशल मीडिया का चलन हो, लेकिन एक वक्त चिट्ठियों का भी था और तब लोगों को डाकिये का इंतजार हुआ करता था। आज के समय में भी रेलवे के साथ साथ पोस्ट ऑफिस का विशाल नेटवर्क दुनिया भर में फैला हुआ है। करीब 1.5 लाख से अधिक पोस्ट ऑफिस के साथ भारत में दुनिया का सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस नेटवर्क है। लोगों के बीच और खासकर सरकारी कामों में आज भी डाक भेजने का चलन है। आज के वीडियो में हम एक ऐसे मेलबॉक्स और पोस्ट ऑफिस के बारे में जानेंगे जो अपने आप में बेहद यूनिक है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं। वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। स्पीति घाटी धरती पर सबसे ऊंचे ठिकानों में से एक है जहां इंसानी आबादी है। यहां बंजर पहाड़ हैं, बेहद खतरनाक पहाड़ी दर्रे हैं और बलखाती नदियां हैं। करीब 5000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर आपको महसूस होगा कि आप पहाड़ी रेगिस्तान में पहुंच गए हैं। हिमाचल प्रदेश के स्पीति में हिक्किम नाम का एक गांव है और यहां मौजूद है दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर यानी वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। करीब 14,567 फीट यानी लगभग 4,440 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद इस पोस्ट ऑफिस को दुनिया भर में वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस के नाम से जाना जाता है। जहां आम इंसान को सांस लेने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, वहां यह पोस्ट ऑफिस 1983 से दूर दराज के दुर्गम गांवों तक डाक पहुंचाने का काम कर रहा है। यह पोस्ट ऑफिस आसपास के कई गांवों के लोगों को बाकी दुनिया से जोड़ता है। हाल ही में इस पोस्ट ऑफिस के वीडियोज और फोटोज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए हैं, क्योंकि वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस को लेटर बॉक्स शेप जैसी बिल्डिंग में रिनोवेट किया गया है। बर्फबारी के समय पोस्ट ऑफिस साल के लगभग 6 महीने तक बंद रहता है। फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस कश्मीर के डल लेक में है। पहले इसका नाम नेहरू पार्क पोस्ट ऑफिस था, जिसे बाद में बदलकर फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस कर दिया गया। जिस हाउस बोट में यह पोस्ट ऑफिस है वहां 2 कमरे हैं। एक कमरा पोस्ट ऑफिस के तौर पर काम करता है और दूसरा कमरा म्यूजियम के रूप में है। फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस में हर वो सुविधा मिलती है जो एक नॉर्मल डाकघर में लोगों को दी जाती है। टूरिस्ट अक्सर इस पोस्ट ऑफिस के साथ सेल्फी लेते नजर आते हैं। अंडर वाटर पोस्ट बॉक्स। एक समय था जब लोग अपने दूर दराज के रिश्तेदारों को डाक भेजकर हालचाल बताया करते थे। अपनी जिंदगी से जुड़ी छोटी बड़ी बातों को कागज पर लिखकर लिफाफे में बंद कर लेटर बॉक्स में डाल देते थे। उन दिनों लाल रंग का वो लेटर बॉक्स हर जगह दिख जाता था। समय के साथ लोग सोशल मीडिया, ईमेल्स और मोबाइल फोन्स यूज करने लग गए और वो लेटर बॉक्स कहीं गायब सा हो गया। लेकिन आज भी एक लेटर बॉक्स है जहां लेटर डालने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। जापान के सुसामी शहर में समुद्र के अंदर यह लेटर बॉक्स है। समुद्र में लगभग 10 मीटर की गहराई में इस पोस्ट बॉक्स को लगाया गया है जहां दुनिया भर से लोग इस लेटर बॉक्स में पोस्ट डालने आते हैं। डीप सी डाइविंग के बहाने लोग समुद्र में गोता लगाकर इस लेटर बॉक्स में पोस्ट डालने आते हैं। साल 1999 में इस अंडर वाटर लेटर बॉक्स को लगाया गया था। तब से लेकर आज तक दुनिया भर से लोग इस लेटर बॉक्स में लेटर डालने आते हैं। इस अंडर वाटर पोस्ट बॉक्स को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया है। दुनिया भर में इस लेटर बॉक्स को डीपेस्ट अंडर वाटर पोस्ट बॉक्स के नाम से जाना जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। कुछ नया जाना हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक